I hope you are fine and safe. This is your teacher, Mr. Singh Kausar. Today I am going to teach is Urdu. Okay, friends, take out your Urdu book and open to page number 12. Okay, friends, page number 12 open कर लिया है सबने? चलिए page number 12 पे हमारा work है. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा. जानवरों के मुजक्कर और मोनस पढ़िए, अपनी कॉपी में फहरिस्त बनाइए और याद भी कीजिए. यहाँ पे ये मुजक्कर मोनस दिए हुए हैं बुक में, आपने बुक से देख के कॉपी में राइट करने हैं ये मुजक्कर मोनस सारे. ये किस तरह करेंगे आप, जिस तरह बुक में हुआ है इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने बीच में एक लाइन मार्जिन ड्रॉ करनी है आपने, और जितना आपके पेज में आया, अगर नहीं आया तो आपने दूसरे पेज पे राइट कर देना है. लेकिन इस तरह कॉलम नहीं बनाने हैं आपने कि आप एक ही पेज में इस तरह कॉलम बना दें. किस तरह करवाती है मैम, जिस तरह मैम अल्फाज मार. ओके स्टूडेंट्स, ये 12 है मुजक्कर मोनस. आपने 6 आपने एक पेज पे करने हैं और 6 आपने आगे वाले पेज पे करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह कॉलम नहीं बनाएंगे, बल्कि अपनी कॉपी को 6 एक पेज पे, 6 आगे वाले पेज पे राइटिंग करेंगे. आपने बुक से देखते हुए मुजक्कर मोनस आपने राइट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, अब ये बुक का काम आप देखें. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा. जानवरों के बच्चों के नाम उनके नामों से मिलाइए और कॉपी में खुश कर नकल कीजिए. यानी कि आपने इनके नामों को मैचिंग करनी है आपने. मैचिंग किस तरह करेंगे आप, जैसे एक घोड़ा से बछेरा इन्होंने मैच किया हुआ है. अब यहाँ पे दिया हुआ है बकरी, बकरी किससे मैच होगा, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना, चूजा, बलूड़ा या बछड़ा, क्या कहते हैं बकरी के बच्चे को, मेमना. चले मेमना से मैच करें. ओके फ्रेंड्स, बकरी को आपने मेमना से मैच कर दिया. चलिए अब गाय, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, अब हमारे पास क्या क्या रह गया है, चूजा, बलूड़ा, बछड़ा. गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा. बछड़ा से मैच करें, गाय को उसके बच्चे से मैच कर दिया बछड़ा. अब हमारे पास क्या है, मुर्गी. मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा. मैच करें. ओके फ्रेंड, मुर्गी के बच्चे को मैच कर दिया सबने चूजे से. अब हमारे पास क्या रह गया, कौन सा जानवर रह गया हमारे पास, बिल्ली. बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं.